आज भारतवर्ष अपनी आबादी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। इसके लिए ये अनिवार्य है कि समाज के हर तबके को समानता के साथ लेकर आगे बढ़ा जाए, ताकि हर एक नागरिक इस लक्ष्य का एक हिस्सा बन सके। हमारी 100 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या में 2.25 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिनको सरकार ने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए और अपनी आशाओं को एक रूप देने के लिए प्रोत्साहन के रूप में एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स देने की मुहिम छेड़ी है। ये स्कॉलरशिप्स पढ़ाई के अनेक स्तर, जैसे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेशनल और इंटरनेशनल डॉक्टरेट्स में पढ़ने वाले दिव्यांगजन छात्रों को दी जाती है। ये कहानियां ऐसे ही कुछ छात्र छात्राओं की हैं जिनको आशा की एक नई किरण दिखाई गई है। पटना बिहार के एक किसान के घर जन्मी कुमारी रोहिणी आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कोरियन भाषा में अपनी पीएचडी पूरी कर रही है। पोलियो से प्रभावित रोहिणी ने सन 2006 में अपनी शिक्षा जेएनयू में आरंभ करी। 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स की पढ़ाई के बाद रोहिणी ने तय किया कि वो इसी क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ेंगी। अपने परिवार से विरासत में मिली साहित्यिक रुचि रखने वाली रोहिणी ने एमफिल के 1 साल की पढ़ाई के उपरांत अपने थीसिस के लिए साहित्य को चुना। आने वाले रास्ते की चुनौतियों से रोहिणी ना तो अनभिज्ञ थी और ना ही वो हतोत्साहित हुई। इस नए विषय की उच्च शिक्षा में रोहिणी को ना सिर्फ महंगी किताबों की जरूरत पड़ी बल्कि तकनीकी मदद की भी आवश्यकता हुई। थोड़ी रिसर्च के बाद रोहिणी को दिव्यांगजन के लिए दी जा रही नेशनल फेलोशिप्स के बारे में पता चला। सरकार की तरफ से दी गई नेशनल फेलोशिप की वजह से रोहिणी एक चैन की सांस ले पाई। साथ ही उन्होंने ये महसूस किया कि अब वो मन लगाकर अपनी रिसर्च पे पूरा ध्यान दे पाएंगी। जब ये फेलोशिप का रिजल्ट आया तो आई वाज लाइक राहत की एक सांस ली मैंने कि हाँ, अब पैसे के बारे में नहीं सोचना। फिर मुझे लगा कि अब मैं अपने रिसर्च को लेकर ज्यादा फोकस्ड हो सकती हूँ। इसी स्कॉलरशिप से उन्होंने एक लैपटॉप भी खरीदा। फिलहाल रोहिणी ने अपनी पढ़ाई को एक विराम दिया है, जिससे कि उन्होंने अब तक जो भी शिक्षा प्राप्त करी है उसको व्यवहारिक रूप से उपयोग में ला पाए। रोहिणी के माता पिता अपनी बेटी के नाम के आगे डॉक्टर देखना चाहते हैं और रोहिणी इसी सपने को पूरा करना चाहती है। आने वाले समय में वो नई पीढ़ियों को अपनी शिक्षा के माध्यम से दिशा दिखाकर समाज में अपना योगदान देना चाहती है। आज तक मैंने जो भी सीखा है उसको मैं आगे अपने अगले जनरेशन को या अपने से छोटों को उस रूप में या रादर उससे बेहतर रूप में देना चाहती हूँ, ताकि इस देश का एक नागरिक के रूप में कर्ज उतार सकूँ।